के कार्यक्रम में शामिल होने आए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इस पर हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, जो आज यहाँ कार्यक्रम हुए हैं, परिचर्चा हुई है, कैसे देखते हैं? क्या ये आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, खासकर पर्यावरण जागरूकता को लेकर के। मेरी अपनी ओर से वाइस चांसलर, चांसलर सभी लोगों को बधाई। और पर्यावरण वास्तव में आज के लिए हमारा सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे ज्वलंत सब्जेक्ट को लेकर के यूनिवर्सिटी प्राइवेट और बाकी सबको जोड़ करके जो कार्यक्रम की रचना की गई, और ख़ास करके इसमें कार्बन उत्सर्जन से लेकर के ऐसे कई नए प्रयोग भी बताए गए हैं, जो आने वाले समय में सरकार को भी इसका अनुसरण करना चाहिए, सरकार अपने प्रोजेक्टों में लगा सकती है और ऐसे नई रिसर्च को प्रोत्साहन भी मिलता है। सर, हम कहें ये आज की दौड़ में भाग दौड़ में ज़्यादा जा रहे हैं, तो कहीं कहीं पीछे जा रहे हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, क्या 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 करना चाहिए? आरकेडीएफ ने आज एक यूनिट लगाई है साफ तौर पर, और वृक्षारोपण भी किया है। मैंने क्या कहा, पीछे नहीं जा रहा, आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई टेक्नोलॉजी से अब हमारे लिए जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ उनके उत्तर भी मिल रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो नई रिसर्च को अगर प्रोत्साहन देंगे तो ये सारे चीज़ों के उत्तर भी मिल सकेंगे। और साथ में संयमित जीवन जीना जो जरूरी है, उस प्रकार से जो सहज साधन है, जैसे पर्यावरण बचाने में पेड़ लगाना, ये बहुत सरल साधन है लेकिन कीमती है और महत्व का है, इसका जरूर पालन करना चाहिए। आरकेडीएफ ने 5 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है पूरे साल में। आरकेडीएफ ने इस पर्यावरण को लेकर के अच्छा कार्यक्रम किया, मैं बधाई दूंगा, और अगर वृक्षारोपण करते तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हमारे साथ थे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरकेडीएफ ग्रुप ने जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम किया है पर्यावरण बचाने के लिए और वृक्षारोपण किया, उसके लिए वो पूरा ग्रुप साधुवाद के पात्र है। कैमरा पर्सन दीपा के साथ अरविंद चौहान।